I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad, and it is my email ID. I'm going to discuss today an important topic in educational psychology, that is educational implications of Jerome Bruner's theory. We have already discussed Bruner's theory of cognitive development, and today I am going to discuss specially the educational implications of Bruner. So, and subscribe my channel if you like to get my future videos, if you like to get updated in the field of education, and the lecture will be useful for certain teaching examinations. So let's start. First of all, a quick review, a quick recap about Jerome Bruner. जीरोम ब्रूनर 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 के नाम से ज्यादा फेमस है ये, जीरोम इनका नाम नहीं जनरली लोग जानते हैं, ब्रूनर से काम चल जाता है। तो ब्रूनर साहब ने क्या बताया है संज्ञानात्मक विकास के लिए, तो सबसे पहले इन्होंने एक किताब लिखी थी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इसी में इन्होंने सारी बातें अपने कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और एजुकेशन के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं उसको डिस्क्राइब करते हुए इन्होंने किताब लिखी थी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, 1977 में ये पब्लिश हुई। इट इज रिगार्डेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव वर्क of Bruner's educational theory, मतलब उनके जो शैक्षिक सिद्धांत हैं उसका ये एक तरीके से representative work है, प्रतिनिधित्व करता है उनका काम इस पुस्तक में, और इसी पुस्तक पे ही based इनका सारा educational theory है। तो ये क्या कहते हैं, the aim of education should be to create autonomous learners, that is learning to learn, ये कह रहे हैं शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम इस तरीके के शिक्षार्थी विद्यार्थी उत्पन्न कर सकें जो कि autonomous learner हो, माने यानी कि हमको ये सिखाना है कि वो सीखने या सीख जाएं कि कैसे सीखा जाता है, तो फिर वो जीवन पर्यंत सीखते रहेंगे, इसके पीछे लॉजिक ये है। देन फॉर ब्रूनर इन 1961 में ये बात कह रहे हैं ये कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू इम्पार्ट नॉलेज, वो कह रहे हैं शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना नहीं है बल्कि टू फैसिलिटेट अ चाइल्ड्स थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बल्कि जो कि बालक में जो सोचने समझने का कौशल है, जो समस्या समाधान का कौशल वो रखता है अपने पास, उसको हमको क्या करना है, फैसिलिटेट करना है, उसको सुगमता प्रदान करनी ताकि वो बेहतर सोच सके, और फिर क्या होगा विच कैन देन बी ट्रांस रेंज ऑफ सिचुएशन, जब उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी तो वो डिफरेंट सिचुएशन में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल है उसको अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा। ओके, देन स्पेसिफिकली एजुकेशन शुड ऑल्सो डेवलप सिम्बोलिक थिंकिंग इन चिल्ड्रन, और कह रहे हैं कि जो शिक्षा है उसको डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए छात्र में, क्या विकसित करना चाहिए, सिम्बोलिक थिंकिंग विकसित करनी चाहिए। तो ये तो ब्रूनर साहब के कुछ एक दो बातें उनके बारे में, फिर जल्दी से देख लेते हैं कि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे क्या कहा था, जबकि हम ब्रूनर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की भी लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ मेनली उनके वो कॉन्सेप्ट जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं उस पर बात की जाएगी। तो ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास पर क्या कहते हैं, Although Bruner proposes stages of cognitive development, he does not see them as representing different separate modes of thought at different points of development, like Piaget. मतलब अभी हम लोगों ने recently Piaget साहब को पढ़ा, उनका educational implication पढ़ा, तो Piaget साहब क्या कहते हैं कि इसीलिए उनको develop stage theory ही कह दिया जाता है उनकी theory को, क्योंकि वो हमेशा stages की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो development है वो stages के through होकर गुजरता है और हर बच्चे को वो stage क्रॉस करनी है, उसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता है, वो मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस है, कोई जल्दी क्रॉस कर सकता है कोई बाद में, लेकिन सबको क्रॉस करनी है, ये बात पियाजे कहते हैं। जबकि ब्रूनर साहब ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई, पर उन्होंने कहा कि ये सेपरेट मोड्स ऑफ थॉट है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, मतलब कि एक वर्ष इस समय बच्चा ऐसे सोच रहा है, फिर इस समय ऐसे सोच रहा है, इस समय ऐसे सोच रहा है, वैसे नहीं है जैसे कि पियाजे कह रहे थे। पियाजे कहते हैं ना कि सबसे पहले आप सेंसरी मोटर की तरह से बात करेंगे, सोचेंगे, फिर आप प्री ऑपरेशनल में जाएंगे, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में, जबकि ये कहते हैं, क्या कहते हैं, और आपको क्लियर हो जाएगा आगे। ब्रूनर क्या कहते हैं, ब्रूनर व्यूज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये कह रहे हैं कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है बच्चा वो क्रूशियल होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है संज्ञानात्मक विकास के लिए, कैसे, एंड सिंस लैंग्वेज इज अवर प्राइमरी मीन्स ऑफ सिंबलाइजिंग द वर्ल्ड, और जो भाषा है वो मुख्य हमारे पास साधन है जिससे हम संसार को क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, मतलब हमने उसको नाम दे दिया है, कम्युनिकेट करते हैं। ही अटैचेस ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लैंग्वेज इन डिटरमिनिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि ब्रूनर के हिसाब से वो भाषा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाषा जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है संज्ञानात्मक विकास में बालक के। फिर
इन्होंने कहा कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो तीन चरण है उसके, पर वो चरण वैसे क्रम हायरार्कियल नहीं है जैसे कि बियाजे के केस में। तो कौन कौन से ये तीन चरणों की बात करते हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक, यही तीन स्टेजेस हैं जिनकी बात करते हैं, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज एंड सिंबॉलिक स्टेज। तो इनएक्टिव स्टेज क्या है, द इनएक्टिव स्टेज विच रिफर्स टू लर्निंग थ्रू एक्शंस, एक तरीके से कह सकते हैं आप पियाजे के सेंसरी मोटर के समतुल्य है। वहां पे भी क्या हो रहा था कि मोटर एक्टिविटी हो रही थी क्योंकि बालक छोटा है तो वो कुछ मोटर एक्टिविटी करता है, उसी तरह से इनएक्टिव स्टेज में भी क्या है कि लर्निंग हो रही है एक्शंस के थ्रू, हम कुछ करके सीख रहे हैं, हम मतलब छोटा बालक। देन द आइकॉनिक स्टेज आई, the iconic stage refers to the learner's use of pictures or models. देखते हैं हम खुद ही महसूस किया होगा, हमें बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं तो उनको पिक्चर के रूप में, पिक्चर के फॉर्म में, पिक्टोरियल कलरफुल चीजें दिखाई जाए तो वो इजीली सीखते हैं। देन द सिंबॉलिक स्टेज रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स। देखिए पियाजे साहब जब फॉर्मल ऑपरेशनल में जाते हैं तब वो कहते हैं कि जो बालक है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की उसमें क्षमता आ जाती है। उसी तरह से इनका भी जो हाईएस्ट स्टेज है, जो हायरार्किकल पोजीशन में सबसे ऊपर है, वो सिंबॉलिक स्टेज है, और वो कह रहा है रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, यानी कि यहाँ पे जो बालक में जो योग्यता है विकास की वो क्या होती है कि वो अमूर्त रूप में चिंतन कर सकता है। ओके, देन कुछ पिक्यूलियर फीचर इनके, रेडीनेस, रेडीनेस का कंसेप्ट क्या है, वन मिनट, सॉरी। तो पिक्यूलियर फीचर इसके क्या है, जैसे रेडीनेस, रेडीनेस का कंसेप्ट क्या है ब्रूनर का, देखिए ब्रूनर ने कुछ हाइपोथेसाइज किया, क्या हाइपोथेसाइज किया उसने कि ब्रूनर हैज हाइपोथेसाइज दैट एनी सब्जेक्ट can be taught effectively in some intellectually honest form to any child at any stage of development. यानी ब्रूनर ने ये हमको हाइपोथेसाइज करके बताया कि किसी भी विषय को हम इफेक्टिवली किसी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट फॉर्म में बच्चे को सिखा सकते हैं किसी भी चरण पे विकास के। जबकि पियाजे क्या कह रहे हैं, पियाजे कह रहे हैं कि जब तक वो फॉर्मल ऑपरेशनल में नहीं जाए वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर सकता है, कॉन्क्रीट, इवन सेंसरी मोटर तो बहुत दूर की बात है, इवन कॉन्क्रीट ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जब आप हैं तब भी आप फॉर्मल ऑपरेशनल वाली थिंकिंग की कैपेसिटी आप में नहीं है। लेकिन ब्रूनर कह रहे हैं कि नहीं, एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इफेक्टिवली इन सम इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट फॉर्म टू एनी चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी किसी भी बच्चे को कोई भी विषय किसी भी चरण पर आप सिखा सकते हैं विकास के, अगर आप कोई इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो। इसलिए ब्रूनर कहते हैं अपोज पियाजे'स नोशन ऑफ रेडीनेस, यानी कि ये पियाजे के जो नोशन रेडीनेस का था उसको यह विरोध करते हैं। पियाजे क्या कहते हैं, जब बच्चा रेडी होगा तभी आप उसको पढ़ा पाएंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए रेडी नहीं है इसलिए आप उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वहां नहीं पढ़ा पाएंगे। जबकि ये कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी भी बालक को किसी भी चरण पर किसी भी अवस्था में कोई भी विषय किसी भी फॉर्म में पढ़ा सकते हैं, बस वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। फिर ये क्या कह रहे हैं, ही आर्ग्यूड दैट स्कूल हैज वेस्ट टाइम, वेस्टेड होना चाहिए था टाइम ट्राइंग टू मैच द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल टू ए चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि जो विद्यालय है यानी कि जो पढ़ने पढ़ाने का हमारा की व्यवस्था है वो समय बर्बाद करती है, कैसे बर्बाद करती है, टू मैच द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल टू ए चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हम मैच कराते रहते हैं कि सब्जेक्ट मटेरियल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बच्चे की कॉग्निटिव स्टेज जो डेवलपमेंट का है उससे मैच हो रही है कि नहीं मैच हो रही है। इसमें जो विद्यालय का सारा समय चला जाता है इसका ये विरोध करते हैं कौन, ब्रूनर। फिर ये बात करते हैं स्पाइरल करिकुलम की, क्या है स्पाइरल करिकुलम, ब्रूनर हैज एक्सप्लेन How his hypothesis can be made possible through the concept of spiral curriculum. वो कह रहे हैं कि ये जो परिकल्पना है उसको हम कैसे मूलभूत कर सकते हैं, कैसे मूर्त रूप में ला सकते हैं अगर हम spiral curriculum के concept को अपना लें या उसको हम implement करें। तो क्या spiral curriculum है, This involved information being structured. वो कह रहे हैं हमको information की संरचना इस तरह से बनानी है so that complex ideas can be taught at a simplified level first. जिसमें जटिल जो विचार हैं उनको हम सिंप्लीफाइड लेवल पे पहले पढ़ाएंगे एंड देन रीविजिटेड एट मोर कॉम्प्लेक्स लेवल्स लेटर ऑन। देखिए इसका स्पाइरल ऐसे बनता है ना, इसका डायग्राम भी था मेरे पास, वो पिछले वीडियो में शायद मैंने बताया है इसलिए मैंने यहाँ नहीं उसको यूज किया, आप उसको वहां से देख सकते हैं या कल्पना कर लीजिए कि एक धुरी है उसके चारों तरफ से हमारा करिकुलम ऐसे चल रहा है,
ऐसे स्पाइरल की तरह से. तो सबसे पहले जो है हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक को क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाएंगे, फिर हम रीविजिट करके फिर जब उसके लेवल पे आएंगे तो फिर उसको थोड़ा सा और कठिन तरीके से पढ़ाएंगे, फिर रीविजिट करके जब आएंगे उस लेवल पे तो थोड़ा सा और कठिन करके पढ़ाएंगे. इस तरीके से अगर हम पढ़ाते हैं तो हम किसी भी बालक को कोई भी विषय किसी भी चरण पर पढ़ा सकते हैं, ये इनका मतलब है. देयरफॉर सब्जेक्ट्स वुड बी टॉट एट लेवल्स ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, है ना, यानी कि कठिनाई के बढ़ते हुए स्तर में हम बच्चों को पढ़ाएं तो क्या होगा. आइडियली टीचिंग दिस वे शुड लीड टू चिल्ड्रन बीइंग एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्व्स. यदि आप इस तरह से शिक्षण कार्य करते हैं तो क्या होता है कि बालक जो है वो खुद अपनी समस्या का समाधान करना सीख जाता है. देन ब्रूनर का कंसेप्ट एक डिस्कवरी लर्निंग, क्या कह रहे हैं ब्रूनर, ब्रूनर प्रपोजेस दैट लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज एंड डू दिस बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग अ कोडिंग सिस्टम. देखिए पियाजे भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं पर वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं. अभी हम पढ़ेंगे कि ब्रूनर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं. क्यों, क्योंकि ये सोसाइटी के इनपुट का महत्व समझते हैं लर्निंग में. तो डिस्कवर करना, डिस्कवरी लर्निंग, ये सारी बातें ब्रूनर कर रहे हैं. तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होना चाहिए कि शिक्षा शिक्षक को हम ऐसे वातावरण क्रिएट करना चाहिए क्लास में कि बच्चा जो है वो डिस्कवर कर सके, उसको हम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी दें, ये इसका इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन है. ओके, तो ब्रूनर प्रपोजेस दैट लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, यानी कि जो बच्चा है जो विद्यार्थी है वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है, कोई दिक्कत नहीं है. एंड डू दिस, और इसको करने में वो कैसे करता है, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि सूचना उसके पास दी रहती है उसको संगठित करता है, उसकी कैटेगरी बनाता है एक कोडिंग सिस्टम के थ्रू. ब्रूनर बिलीव्ड दैट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डेवलप ए कोडिंग सिस्टम इज टू डिस्कवर इट रादर देन बीइंग टोल्ड बाय द टीचर. वो कह रहे हैं कि जो सबसे इफेक्टिव वे है कोई कोडिंग सिस्टम डेवलप करने का वो क्या है, कि बच्चा उसको खुद डिस्कवर करे ना कि आप उसे बताएं. ठीक है, फिर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रेजेंटेशन में क्या है, देखिए ये जो इनएक्टिव आइकॉनिक और सिंबॉलिक स्टेजेस की वो बात करते हैं वो एक तरीके से क्या है, रिप्रेजेंटेशन के स्टेजेस हैं. और ब्रूनर क्या कहते हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक समय बच्चा सिर्फ आइकॉनिक स्टेज में है, फिर इनएक्टिव में है, फिर सिंबॉलिक में. वो कह रहे हैं कि इंटरैक्शन चलता रहता है इन सारे रिप्रेजेंटेटिव मोड में, इसीलिए इनएक्टिव आइकॉनिक और सिंबॉलिक का मिला जुला रूप है जो हमारा कॉग्निशन जिस स्टेज पर जैसा रहता है. तो ये क्या कह रहे हैं, ब्रूनर एसर्टेड दैट कॉग्निशन कंसिस्ट्स ऑफ इनएक्टिव आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ओके डन, इनएक्टिव एक्शन है, आइकॉनिक पिक्चर है और सिंबॉलिक क्या है, भाषा, कैसे हम उसको सिंबलाइज कर रहे हैं. इन कॉग्निशन दीज थ्री रिप्रेजेंटेशंस वर यूज्ड इंटरएक्टिवली, यानी कि संज्ञान हमारा कैसे बनता है जब ये सारे प्रतिनिधित्व के जो लेवल हैं वो अंतःक्रिया करते रहते हैं. ब्रूनर क्लियरली डिनाइड रिगार्डिंग देम एज डेवलपमेंटल स्टेजेस, ये उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी ये विकास के चरण नहीं है जैसा कि पियाजे अपनी थ्योरी में बता रहे हैं. फिर क्या कह रहे हैं, ब्रूनर स्टडी नॉट ओनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बट ऑल्सो द मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग इनएक्टिव एंड आइकॉनिक, यानी कि सिर्फ सिंबॉलिक पे वो बहुत बल देते हैं लेकिन सिंबॉलिक इनएक्टिव और आइकॉनिक तीनों की अंतःक्रिया का जो प्रतिफल निकल के आता है वही बालक के संज्ञान को डिफाइन करता है इन अकॉर्डिंग टू ब्रूनर. ठीक है, अब इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखिए, वैसे बात हो गई बीच. अच्छा हाँ, एक बात रह गई, मुझे ये बताना चाहिए था, स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ब्रूनर का है जो कि वाइगोर्स्की के ZPD के कंसेप्ट से मिलता जुलता है. तो ZPD की बात हमने कोऑपरेटिव लर्निंग वाले वीडियो में भी की थी, तो आई थिंक आपको याद होगा. क्या है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्या कहता है ये कि जो बालक है वो अधिक समझदार व्यक्ति, अधिक समझदार पीयर ग्रुप, अधिक ज्ञानवान पीयर ग्रुप या बड़े वयस्क के संबंध में आके, संपर्क में आके बेहतर सीखता है, ये कहता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. तो इसी को ब्रूनर नाम देते हैं स्कैफोल्डिंग का. स्कैफोल्डिंग वो कहते हैं कि वो सपोर्ट जो पीयर ग्रुप या मोर नॉलेजेबल पीयर या एडल्ट जो बच्चे को प्रोवाइड कर रहा है वही सपोर्ट क्या है, स्कैफोल्डिंग. तो स्कैफोल्डिंग भी यहाँ होना चाहिए था. देन इसी को अगर हम शैक्षिक निहितार्थ के रूप में देखें तो क्या है कि टीचर्स मस्ट रीविजिट द मटेरियल टू एनहांस नॉलेज, यानी कि हमको बार बार रीविजिट करना है मटेरियल को. क्यों, क्योंकि हम स्पाइरल करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा. देन बिल्डिंग ऑन द प्री टॉट आइडियाज टू ग्रैस्प द फुल फॉर्मल कंसेप्ट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू ब्रूनर. वो कह रहे हैं कि पहले जो सिखाया है उसी पर हमको बेस करके प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके हमको नए कंसेप्ट को देना है. फिर द मटेरियल मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ए सीक्वेंस. वो कह रहे हैं कि पहले सिंपली
सिंप्लीफाइड, फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमारा सीक्वेंस निर्धारित होना चाहिए। यानी हैपजर्ड नहीं चलेंगे, कभी कुछ पढ़ा दिया, कभी कुछ पढ़ा दिया। गिविंग लर्नर्स अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ये क्या होगा, जो सीखने वाला है उसको ये अवसर प्रदान करेगा कि वो ग्रहण कर सके और निर्माण कर सके उस ज्ञान का। फिर स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन यूजिंग देयर प्रायर एक्सपीरियंसेस, ये जब भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होगी तो चाइल्ड वहां पे हमेशा एक्टिव लर्नर होता है, वो पैसिव लर्नर नहीं होता है। तो बच्चे को हमको इन्वॉल्व करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, सो दैट ही कैन यूज हिज और हर प्रायर एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रक्चर्स टू लर्न न्यू नॉलेज। ओके, देन द कंटेंट मस्ट हेल्प स्टूडेंट्स टू कैटेगराइज द इन्फॉर्मेशन टू एबल टू सी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। हमको इस तरीके से कंटेंट को प्रदर्शित करना है, रखना है छात्र के सामने, जिससे कि वो उसमें कैटेगरी बना सके, इन्फॉर्मेशन को देख सके, कहाँ सिमिलैरिटी है, कहाँ डिफरेंसेस है जो पहले पढ़ा है। तो इससे क्या होगा, ज्ञान का निर्माण हो रहा है, पुराने नॉलेज से वो रिलेट होकर चल रहा है, खुद कर रहा है बच्चा, डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू कर रहा है। तो लर्निंग क्या होती है, परमानेंट होगी, रिटेंशन ज़्यादा होगा। देन टीचर्स मस्ट बी इन द रोल ऑफ फैसिलिटेटर एंड असिस्ट द स्टूडेंट्स इन बिल्डिंग देयर नॉलेज। जैसे ही हम कॉग्निटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, टीचर का रोल फैसिलिटेटर का हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का निर्माण तो बालक कर रहा है, हमको सिर्फ उसको सुविधा प्रदान करनी है कि वो ये काम बेहतर तरीके से कर सके। Then, teachers should provide feedback that is directed towards intrinsic motivation. ढूंढना कहते हैं कि हमको कोई रिवॉर्ड देके नहीं बच्चे को काम कराना है, जैसे कि बिहेवियरिज्म कह रहा है कि रिवॉर्ड दो, पनिशमेंट दो तो आप सीखोगे या अनलर्न या लर्न करेंगे। यहाँ पे है इंट्रिंसिक मोटिवेशन को की तरफ डायरेक्टेड होके बच्चे को फीडबैक देना चाहिए शिक्षक को। ओके, तो इतनी बातें होंगी, हमको लग रहा है कि ब्रूनर और पियाजे दोनों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं ब्रूनर और पियाजे में, या किन बातों पे वो सहमत हैं और किन बातों पे वो एक दूसरे से असहमति प्रदर्शित करते हैं। तो एग्री किस किस बात पे हैं ब्रूनर और पियाजे, देखिए दोनों ही एग्री हैं कि चिल्ड्रेन आर इननेटली प्री अडेप्टेड टू लर्निंग। दोनों ही कहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो जन्मजात उनके लिए अडेप्टेशन है सीखने के लिए, प्री अडेप्टेड है, पहली बात। दूसरी, चिल्ड्रेन हैव ए नेचुरल क्यूरियोसिटी, जो बालक है उसमें ये एक नेचर प्रदत्त गुण है क्यूरियोसिटी का, कि वो सीखना चाहता है ना, उसी से रिलेटेड है प्री अडेप्टेड टू लर्निंग। देन चिल्ड्रेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स डेवलप ओवर टाइम, ये सबसे खास बात, समय के साथ सीखेंगे ना, वो भी कह रहे हैं चरणबद्ध, ब्रूनर भी कह रहे हैं इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक, यानी कि ऐसा नहीं कि जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होगा सब कुछ एक साथ सीख जाएगा, समय के साथ सीखेगा। देन चिल्ड्रेन आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, है ना, क्योंकि बालक खुद निर्माण कर रहा है ज्ञान का, इसलिए वो सक्रिय भूमिका निभा रहा है इसमें। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंटेल्स द एक्विजिशन ऑफ सिंबल्स, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो अधिग्रहण से संबंधित है, किसके, सिंबलाइज करते हैं, वो भी क्योंकि पियाजे भी बात करते हैं स्कीमा की, ब्रूनर भी सिंबॉलिक थिंकिंग में बात कर रहे हैं, यानी कि ये वो पॉइंट्स हैं जहां ब्रूनर और पियाजे एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करते हैं, दोनों एक ही जैसा सोच रहे हैं, लेकिन वो दोनों क्या कहां अलग हो जाते हैं, जैसे ही सोशल फैक्टर का इंक्लूजन होता है वैसे ही पियाजे ब्रूनर से अलग हो जाते हैं, यानी कि ब्रूनर साहब ने सोसाइटी के, कल्चर के, सोशल एस्पेक्ट के इंपॉर्टेंस को पहचाना है, जबकि पियाजे ने नहीं। तो डिसएग्री किस बात में है, सोशल फैक्टर्स पर्टिकुलरली लैंग्वेज वर इंपॉर्टेंट फॉर कॉग्निटिव ग्रोथ, ये बात ब्रूनर कर रहे हैं, पियाजे नहीं कर रहे हैं। ओके, ब्रूनर कहते हैं कि भाषा जो है, जो सामाजिक कारक हैं, वो निर्भर, वो बहुत भूमिका निभाते हैं सीखने में, संज्ञानात्मक विकास में, संज्ञानात्मक वृद्धि में, लेकिन पियाजे ऐसा नहीं कहते। दीज अंडरपिन द कांसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग, यहीं से स्कैफोल्डिंग का कांसेप्ट आता है, इसीलिए पियाजे स्कैफोल्डिंग की बात नहीं करते हैं। Then, the development of language is a cause, not a consequence of cognitive development. देखिए, ब्रूनर क्या कह रहे हैं कि जो भाषा का विकास है वो कारण है संज्ञानात्मक विकास का, यानी कि वो कह रहे हैं भाषा पहले विकसित होगी तब संज्ञान का विकास होगा, लेकिन पियाजे क्या कहते हैं कि भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है, और जबकि ब्रूनर क्या कहते हैं इसका कारण है, यानी कि ब्रूनर के हिसाब से लैंग्वेज डेवलपमेंट पहले तक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेकिन पियाजे के लिए पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कॉन्सिक्वेंस के रूप में हमको लैंग्वेज डेवलपमेंट मिलता है। तो यहाँ पे दोनों स्ट्राइकिंगली डिफरेंट है एक दूसरे से। देन यू कैन स्पीड अप कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, ब्रूनर कह रहे हैं कि आप संज्ञानात्मक विकास को स्पीड अप कर सकते हैं, है ना, कि हमने बहुत उनको स्पाइरल करिकुलम दे दिया, हमने उनको जेड स्कैफोल्डिंग कर दी, तो हम जल्दी बढ़ा सकते हैं, लेकिन पियाजे का तो चरणबद्ध वैसे ही चलना है, आप उसको यू कैन नॉट स्पीड अप इन द केस ऑफ पियाजे। देन
The involvement of adults and more knowledgeable peers makes a big difference. In the case of Bruner, क्योंकि Bruner भी इसकी बात करते हैं, society के inclusion की बात करते हैं, culture का role play कर रहा है, language का role है, adult का है, more knowledgeable peer का है, तो इनका involvement जब होगा तो हम बेहतर सिखा पाएंगे. जबकि Piaget के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो child जो है वो अकेला है, उसको कोई society, language का influence उसके ऊपर नहीं है, in accordance to Piaget. Okay. तो टुडे आई हैव कंप्लीटेड द कांसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मेनली हमको पियाजे ब्रूनर पढ़ना था. पियाजे मैंने पहले पढ़ा दिया था, फिर एजुकेशनल इंप्लिकेशन पढ़ाया. ब्रूनर मैंने पहले भी पढ़ा दिया था और मैंने आज फिर उसको कवर किया. कुछ चीजें जो रह गई थी वो डिस्कस करने के लिए, तो इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में ब्रूनर के पहले वाले वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आई थिंक ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो पियाजे और ब्रूनर दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए ये कांसेप्ट. ओके, थैंक यू ऑल. And don't forget to like and subscribe my channel and join my Telegram group to explore education. Okay, done from my side.